महासमुंद जिले में बीएससी के 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पेपर रीचेकिंग और सूचना के अधिकार में आंसर शीट की छायाप्रति की मांग को लेकर यहां से उदयपुर के लिए रवाना हुए और इन छात्र छात्राओं को एक दो या चार नंबर के अंतर से फेल या पूरक घोषित किया गया है। शुक्रवार को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय में सभी बच्चे एकत्रित हुए और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के लिए बस से रवाना हुए। छात्र छात्राओं का कहना है कि हमें बीते साल हमने टॉप किया था, अच्छे नंबर्स लाए थे, ऐसे में पेपर चेक करने वाले की गलती से कम नंबरों से हम फेल हुए हैं या फिर पूरक घोषित हमें किया गया है। हमारे पेपर को फिर से एक बार जांचा जाए, चेक किया जाए और अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन हमारी मांग पर ध्यान नहीं देता है तो हम हड़ताल करेंगे। जितने भी हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं अन्य वर्षों में टॉपर रहे हैं और 12वीं की परीक्षा में जिनका 80 या 90% से ऊपर रहा है, उन सभी का और मेरा भी 80% से ऊपर रहा है 12वीं में और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी अच्छा परिणाम रहा है और इस वर्ष सभी छात्र छात्राओं के इंग्लिश में परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आए हैं जो कि काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की असावधानी इसे दिखाई दे रही है। केमिस्ट्री में भी कम दिया गया और इंग्लिश में तो सबकी ही दे रही है, मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सबका अदर सब्जेक्ट में दिया गया लेकिन कॉमन हो गया इंग्लिश में सबको दिया गया और एकदम सेम 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 टाइप का संतोष नहीं मिल रहा है। मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारी मांग ये है कि हमको अपना आंसर शीट मिल जाए और अच्छे से मूल्यांकन किया जाए।